हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे पीसीआर के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी कि पीसीआर का पूरा नेम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, इस क्लास में हम आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार जाके उन क्लासेस को कंप्लीट कर दीजिए, तब जाके टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे से और एक सिक्वेंसली आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आइए, अगर आप पीसीआर के बारे में नहीं जानते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग फटाफट से हेडिंग लगाइएगा पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आइए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, विच यू आर फील कनेक्टेड विथ, लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए पीसीआर के बारे में समझते हैं। तो पीसीआर क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक, देखिए, पीसीआर एक प्रकार की टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है, क्रिया है। ठीक, जो प्रैक्टिकल लैबों में की जाती है, यानी कि साइंटिस्टों वगैरह के साथ में, यानी कि ये लैब वाली चीज़ें हैं, लैब में की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम थियोरी की बातें करेंगे, लैब की बातें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लैब नहीं। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे जो आपका पीसीआर है, मैंने बताया कि ये एक टेक्निक है। ठीक, इसमें क्या होता है कि डीएनए जो होता है, ठीक, डबल हेलिक्स जो डीएनए होता है, इसके सीक्वेंस को हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं। ठीक, इसके सीक्वेंस को क्या करते हैं, खोलते हैं। अच्छा, क्यों खोलते हैं, यानी कि इसको डीनेचर करते हैं, इसके सीक्वेंस को, थ्रेड को ओपन करते हैं। ठीक, अच्छा, क्यों ओपन करते हैं, पहले ये बात ये समझिए। जैसे आपको किसी स्पेसिफिक टाइप का जीन प्रोड्यूस्ड कराना है। ठीक, क्या कराना है, जीन प्रोड्यूस्ड कराना है, जीन बताना है, जीन बनाना है, तो और वो लक्षण किसी ह्यूमन में आपको इम्प्रूव करना है, शो करना है, तो उसके जीन को, ठीक, जीन से जो डीएनए होगा उससे निकाला जाएगा, उसके डीएनए सीक्वेंस को देखा जाएगा और उसी के कम्प्लीमेंट्री एक आर्टिफिशियल डीएनए बना दिया जाएगा। आई होप आपकी मेरी बात समझ में आई होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए किसी का हमको पीसीआर करना है तो उसके हम लोग क्या करेंगे, उसके जीन को निकाल लेंगे। ठीक, सॉरी, डीएनए को निकालेंगे, जो डीएनए होता है। ठीक, इसका जो एक फ्रेगमेंट होगा, जीन का फ्रेगमेंट होगा, उसकी हमको कॉपी बनानी होगी। ठीक, यानी कि एक आर्टिफिशियल थ्रेड लाएंगे, उस पर जैसी इसकी कोडिंग की रही होगी, AUGC जो भी कोडिंग होगी, उसी के कम्प्लीमेंट्री हम लोग कोड करते चले जाएंगे। ये बात हो गई। अच्छा, आप इसका उपयोग क्या करेंगे, तो इसका होगा कि एक आप स्पेसिफिक टाइप का डीएनए आप प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक, जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक, यानी कि अगर आप ये सब वर्क किसी प्लांट में कराते हैं, यानी कि उसके डीएनए सीक्वेंस को चेंज करते हैं, तो वे सब जो बीटी फसलें होती है, बायोटेक्नोलॉजी की फसलें, उसको उगाने में काम होती है, यानी कि हाइब्रिड वाली फसलें इसी प्रकार से बनाई जाती है कि दो प्लांट के जीन को आपस में एक्सप्रेस करा के, आपस में क्या करें, रिएक्ट करा के एक नई वैरायटी उत्पन्न करते हैं, यानी कि एक अलग टाइप का उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक करेक्टर को शो करा सकते हैं। तो यही काम होता है। प्रैक्टिकली चीज़ें देखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ थियोरी की क्लास बता सकते हैं। ठीक, देखिए, इसमें चार स्टेप्स होते, किसमें, आपके पीसीआर में। पहला स्टेप होता है आपका डीनेचुरेशन। क्या होता है? डीनेचुरेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, पहले ये बात समझिए आप। डीनेचुरेशन यानी कि आपका पीसीआर का स्टार्टिंग स्टेप है, पहला स्टेप आपका यही होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका डीएनए का डबल थ्रेड होता है, इसको हीट किया जाता है। क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, जिससे इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई होती है, किसका, डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बनी हुई होती है। ठीक, आपको पता होगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बॉन्डिंग लगी होती है, तो ये सब जो बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उस जो डबल हेलिक्स डीएनए में जो बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उसको ब्रेक कराया जाता है, उसको
तोड़ा जाता है, ठीक, दोनों स्ट्रैंडों से तोड़ के एक सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि इसको सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिया जाता है, ठीक। ये पहला प्रोसेस होगा आपका क्या, डी नेचर का, ठीक। अच्छा, दूसरी प्रोसेस क्या होती है, दूसरी प्रोसेस होती है आपकी एनेलिंग। एनेलिंग का मतलब एक नया उस पर प्राइमर जोड़ना। जैसे मान लीजिए आपका एक ये थ्रेड अलग हो गया, अब इस पर एक अलग थ्रेड लाएंगे और इसके कंप्लीमेंट्री जो हाइड्रोजन बांड होगा उसको लगा दिया जाएगा, यानी कि जैसा यहाँ पे हाइड्रोजन बांड होगा उसके कंप्लीमेंट्री ऑटोकेमेटिक इस पर कोडान लगते चले जाएंगे, ठीक। तो ये प्रोसेस क्या होती है, एनेलिंग, यानी कि इसमें क्या होता है, एक थ्रेड हो गया उसमें दूसरे थ्रेड को उसके पास में रखते हैं, जैसा उस पर कोडिंग होता है उसके कंप्लीमेंट्री इस पर भी कोडिंग हो जाती है, यानी कि इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं इसके कंप्लीमेंट्री हो जाता है, ठीक। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एनेलिंग होता है। अच्छा, ये जो होता है इसको हम लोग टेम्पलेट की तरह ये काम करता है, ठीक, यानी कि इसके कंप्लीमेंट्री बना तो ये टेम्पलेट हुआ इसका, यानी क्योंकि इसी की तरह हो रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज आएगा, बाकी सब क्रियाएं इस पर होगी। अच्छा, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका एक्सटेंशन। क्या होता है आपका, एक्सटेंशन होता है, तीसरा होता है आपका एक्सटेंशन। मैंने बताया अब दो टेम्पलेट लग गए, अब यहाँ से क्या होगा कि जो आपका डीएनए टेम्पलेट होगा तब यहाँ से आपका न्यू डीएनए सिंथेसाइज होगा, ठीक। एक डीएनए, न्यू डीएनए ये सिंथेसाइज करेगा जिसपे स्पेसिफिक टाइप के कोडान लगे हुए होंगे, आरएनए पॉलीमरेज लगेगा होगा, डीएनए पॉलीमरेज लगा होगा और डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंसिंग जुड़ते जाएंगे और एक स्पेसिफिक टाइप का कोडान बनता चला जाएगा। इस क्रिया क्या करते हैं हम लोग, एक्सटेंशन। अच्छा, लास्ट टॉपिक क्या आती है, मतलब लास्ट प्रोसेस क्या होगा उसमें, इस पर होगा एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन होगा। अच्छा, एम्प्लीफिकेशन का क्या नंबर मतलब होगा, इसमें जो आपके कॉपियां बन रही है डीएनए की, वो कॉपियां बहुत सारे कॉपियां बनाएगी, यानी कि इसके लगभग बिलियन मिलियन कॉपियां बनाई जाएगी, किसके, आपके डीएनए की, ठीक, यानी कि इसमें बहुत सारे क्लोन कॉपीज बनाई जाती है डीएनए की, ठीक। तो ये चार प्रोसेस होती है आपके आरएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, सॉरी पीसीआर में, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। तो चार टॉपिक कौन कौन सी थी आपकी, तो आपके जो चार स्टेप थे वो थे आपके, पहला था आपका डीनेचुरेशन, प्राइमर एनलिंग और एक्सटेंशन एम्प्लीफिकेशन। तो ये सब बातें आपको बता दिया मैंने, आइए एक बार लैंग्वेज के माध्यम से इन सब बातों को समझते हैं। देखिए लिखा है, पीसीआर इज ए टेक्निक दैट अलाउ रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक, यानी कि इसमें जो होता है, यानी कि एक प्रकार की क्या है, मॉलिकुलर टेक्निक है, इसमें जो आपका डीएनए होता है उसका एम्प्लीफिकेशन होता है, यानी कि डिफरेंट मिलियन बिलियन की मात्रा में आपका डीएनए स्पेसिफिक सेगमेंट को कॉपियां बनाने का काम किया जाता है, ठीक, यानी कि पीसीआर में आपको मिलियन से लेकर के बिलियन तक मिलियन कॉपियाज बनाई जाती है आपके डीएनए के फ्रेगमेंट द्वारा, जीन के द्वारा, ठीक, जो स्पेसिफिक टाइप के वर्क को प्रोड्यूस करता है, ठीक, यानी कि सीक्वेंस यूजिंग विजुअल टेक्निक बेस्ड ऑन द साइज एंड चार्ट। जैसी उस पर चार्जिंग होगी, जैसा उसका वर्क होगा, उस प्रकार से वो अपने आप को प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, स्टेप देखिए कैसे कैसे होते हैं पीसीआर के, तो मैंने बताया था ये मान लीजिए डीएनए का क्या है, थ्रेड है। स्टेप पहले देखिए, ये स्टेप हो गया पीसीआर स्टेप, मैंने बताया था कि ये डीएनए है, अब डीएनए का मान लीजिए 3' है, ये 5' तो ये 3', आप लोग तो इतना जान रहे होंगे, ये डबल हेलिक्स डीएनए है आपका। इसको हीट किया जाएगा, हीट करने की क्रिया को डी नेचर या डी नेचुरेशन का काम, डी नेचुरेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, जैसे ही आपका डीएनए हीट किया जाएगा तो ये दो थ्रेडों में अलग हो जाएगा, ठीक, एक थ्रेड 3' से 5' की ओर बढ़ेगा, दूसरा भी 3' से 5' की तरफ होगा, यानी कि अगर इस पर कोई कंप्लीमेंट्री हम डीएनए लगाएंगे तो वह 5' to 3' मूव करेगा, ठीक। तो इस प्राइमर को हम लोग
क्या करते हैं, यानी कि जो नया थ्रेड हमको टेम्पलेट के द्वारा जो नया थ्रेड लगाते हैं उस क्रिया को हम लोग एनेलिंग का काम बोलते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होंगे, इसके सीक्वेंस से जो दूसरा सीक्वेंस होगा वो ऑटोमेटिक जुड़ता चला जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे अगर कोई सीक्वेंस है तो उसका कंप्लीमेंटरी यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जो होगा तो ऐसे जुड़ जाएगा, तो यानी कि एक थ्रेड ऐसे तैयार आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका रहा कंप्लीमेंट्री के बारे में। अच्छा आगे टॉपिक पर, अब इसमें आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो इससे जुड़ करके एक नए थ्रेड का यहाँ से कॉपी बनाना, यानी कि नए थ्रेड बनाना स्टार्ट करेगा। अब उसमें क्या होगा, इसमें डीएनए पॉलीमरेज यानी कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड लगे रहेंगे, जिस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से आपके बहुत सारे जो है कि प्राइमर बनते चले जाएंगे। अब ये प्राइमर का एक्सटेंशन होगा यानी कि इसमें बहुत सारे 30 साइकिल्स चलती रहती है, 30 बार साइकिल चलती रहेगी। एक्सटेंशन में क्या होता है कि लगभग बिलियन कॉपीज प्राइमर के आपके बनते चले जाते हैं। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लगभग 4-5 कॉपी दिखाई है यहाँ पे आपको। ठीक, तो ये बात रही आपकी पीसीआर की। तो एम्पलीफिकेशन बिलियन टाइम, जो एम्पलीफिकेशन होता है वह 1 बिलियन टाइम होता रहता है। PCR is completed within 4 step. PCR आपका 4 step में complete होता है, जो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। पहला denaturation, primer annealing, extension और amplification, ये 4 steps होती हैं। आइए अब denaturation के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो मैंने टॉपिक आपको बता दी थी अब उसको हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझेंगे। देखिए denaturation में क्या होता है, देखिए denaturation एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपका स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड डीएनए का डबल स्ट्रैंड को सेपरेट किया जाता है, यानी कि अलग करने का काम किया जाता है। ठीक, यानी कि डीएनए डबल स्ट्रैंड आर सेपरेटेड बाय हीटिंग प्रोसेस, यानी कि हीट करते हैं इसमें डीएनए, इससे जो आपका डबल हेलिक्स डीएनए है, डीएस डीएनए है, उसको हीट किया जाता है, जिससे जो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो आपस में ब्रेक कर जाते हैं। ठीक, यानी कि जो ये डीएनए का बॉन्ड लगा होगा ये ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। ठीक, और जिससे आपका जो ये दो थ्रेड होता है वो सिंगल थ्रेड में डिवाइड हो जाता है, सिंगल थ्रेड में अलग हो जाता है, जिसको आप लोग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डबल स्टैंडर्ड, यानी कि डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्ट्रैंड में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ठीक, ब्रेक डाउन देन डबल स्ट्रैंड डीएनए सेपरेटेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, इट मींस डीएनए न्यूक्लियो डीएनए नेचुरेशन इज ए प्रोसेस इन विच डबल स्ट्रैंड डीएनए सेपरेटेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड, यानी कि कहने का मतलब एक लाइन हमारा ये होगा, डीनेचुरेशन का मतलब डबल हेलिक्स डीएनए का सिंगल डीएनए में चेंज होना, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में चेंज होना, यानी कि डबल स्ट्रैंड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में चेंज होना ही क्या है, डीनेचुरेशन होता है। आगे बढ़ते हम लोग प्राइमर को समझते हैं कि प्राइमर एनालिन क्या है। अच्छा एनालिन में क्या है, इसमें जब आरएनए प्राइमर अटैच होता है आपके डीएनए के टेम्पलेट पे, तो उस प्रक्रिया को क्या करते हैं लोग एनालिन बोलते हैं। ठीक, इस प्रोसेस में क्या होता है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसमें न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए पॉलीमरेज फंक्शन, आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है और डीएनए पॉलीमरेज इस पर वर्क करता है, डीएनए पॉलीमरेज इस पर वर्क करता है एंड स्टार्ट डीएनए फंक्शन एंड सिंथेसिस डीएनए सिंथेसिस अकर ऑन टेम्पलेट, और टेम्पलेट की सहायता से एक नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। आगे एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका डीएनए टेम्पलेट मूव करता है आगे की तरफ और नए डीएनए सिंथेसिस का निर्माण होता है, उस क्रिया को हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। आगे समझते हैं, ड्यू टू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के कारण ऑफ प्राइमर, ठीक, डीएनए पॉलीमरेज मूव ऑन द डीएनए स्ट्रैंड एंड न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए फॉर्म, यानी कि एक्सटेंशन के कारण जो नया डीएनए है वो मूव करता हुआ चलता है और एक नए डीएनए थ्रेड का, एक नए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, एम्पलीफिकेशन समझते हैं। तो एम्पलीफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिंथेसिस क्रिया को बहुत तेजी से बढ़ाती है और बिलियन कॉपियर्स का फॉर्मेशन करती है। इसका सबसे ज़्यादा यूज बायोटेक्नोलॉजी के रूप में किया जाता है, ठीक, डीएनए फॉर्मेशन का। तो ये बात रही आपके एम्पलीफिकेशन की। आइए समझते हैं एप्लीकेशन आप पीसीआर, पीसीआर का क्या एप्लीकेशन है। तो पीसीआर की एप्लीकेशन है, आइए पहले पहले पॉइंट यानी कि एक एक पॉइंट करके समझते हैं। तो एप्लीकेशन यानी कि कौन सा एप्लीकेशन, पीसीआर एप्लीकेशन, आप जीन फ्रेगमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए क्लोन विद द शॉर्ट पीरियड टाइम, यानी कि थोड़े से टाइम में, शॉर्ट टाइम में आप लोग डीएनए का बहुत सारे कॉपियाज बनाने का काम करते हैं इस पीसीआर के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकर्स बाय पीसीआर, यानी कि आप लोग डीएनए के थ्रेड में डिफरेंट टाइप के मॉडिफाइड यानी कि मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो भी थोड़े ही टाइम पे। अगला है द सेंसिटिव डिटेक्शन ऑफ पैथोजन माइक्रोऑर्गेनिज्म इज डिजायर्ड फॉलोइंग एन एक्यूरेट जीनोटाइप, कहने का मतलब आपको जो पैथोलॉजिकल लेब होता है उसमें आप जो भी डीएनए सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया जा रहा है जो है उसके अनुसार आप एक्यूरेट जीनोटाइप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पैथोलॉजिकल लैब में किसी ऑर्गेनिज्म को जैसे है वो उसके मतलब उसका आप जीनोटाइप देख सकते हैं कि उसका कैसा जीन है, कैसा क्या है वो, ठीक। अगला है पीसीआर इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, पीसीआर का यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में, किस लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोन डीएनए क्लोन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम हार्मोन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को बनाने में, हार्मोन्स को बनाने में और प्रोटीन के निर्माण में। अगला है पीसीआर इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन इन्फेक्शन डिजीजेज एंड जेनेटिक चेंजेज, यानी कि इसका उपयोग हम लोग मेडिसिनल फैकल्टी में करते हैं, किस लिए, डिफरेंट टाइप के जो डिजीज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन बनाना और उसके टाइप जीन को एक्सचेंज करना ताकि ऐसे प्रकार के डिजीज बॉडी में ना हो पाए। अगला है आपका पीसीआर इज यूज्ड इन फिंगरप्रिंटिंग फॉरेंसिक टेस्ट, पीसीआर का उपयोग हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्षेत्र में फॉरेंसिक लैब में करते हैं। पीसीआर इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ प्लांट, ठीक, पीसीआर के मतलब सहायता से आप अत्यधिक पैदावार होने वाली फसलें भी आप बना सकते हैं, ठीक। अगला है पीसीआर इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन ड्रग्स ईटीसी, यानी कि इसके द्वारा आप लोग डिफरेंट टाइप के दवाइयाँ डिफरेंट टाइप के वैक्सीन्स आप बना सकते हैं। अगला है आपका पेज, अगले टॉपिक में हम लोग पेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, यानी कि पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आपके कोई डाउट कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598 9598 30 8044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट अपने क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता है, कोई क्वेरीज आती हैं, तो भी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके वहां से पीडीएफ और व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपने डाउट अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और लास्ट बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास ये टॉपिक पहुँचने चाहिए जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो जिसमें पीसीआर आता हो, ठीक। तो आप लोग शेयर करिए, शेयर करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में पेज के साथ, ठीक, यानी कि पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ मिलते हैं।